मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे 15th अगस्त स्पेशल तिरंगा इडली। इसमें मैंने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सैफ्रन कलर के लिए यहाँ पे दो गाजर कट करके ले लिया है। उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आधा टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तीस सेकेंड तक मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है तो इसका प्रॉपर पेस्ट तो नहीं बना है, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब देख सकते हो प्रॉपर एक कलर आया है, सैफ्रन कलर, केसरी कलर। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा केसरी कलर बनके तैयार है। ग्रीन कलर के लिए यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, हरी मिर्च और लहसुन। और हरी मिर्च को हम छोटे टुकड़े में कट करके डालेंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसमें हम डालेंगे दो तीन लहसुन की कलियाँ। पालक प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। पेस्ट है वो बनके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इडली बनने वाली है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इसमें कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। यहाँ पे हमारे जो दोनों कलर है वो बनके तैयार है। इडली का बैटर मैंने कल ही बना के रख दिया था और ये प्रॉपरली इडली का बैटर बनके तैयार है। इसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा सा। इसका प्रॉपर मेजरमेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करना। तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, ये वाइट। मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक पहले से ऐड करके रख दिया था और यहाँ पे ग्रीन। और जो हमारा गाजर का पेस्ट है उसमें भी हम बैटर ऐड कर देंगे। प्रॉपर मेजरमेंट से हमें ऐड करना है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ग्रीन कलर लाइट हो रहा है तो इसमें और थोड़ा धनिया को ब्लेंड करके डाल देंगे तो प्रॉपर एक अच्छा कलर आएगा। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी साइज की कटोरी ली है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से तेल हम लगा लेंगे पूरी कटोरी को। ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें तो अच्छे से प्रॉपरली निकल के आ जाए। इसमें हमारा जो ग्रीन कलर का बैटर है वो डालेंगे फर्स्ट लेयर। तीन चम्मच डालना है हमें हर कटोरी में और इसको हम एक मिनट के लिए स्टीम करने रख देंगे, फिर हम नेक्स्ट लेयर डालेंगे। वैसे ही सारा प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पे मैंने दो कप पानी गरम करने रख दिया था, उसके ऊपर हम छलनी रखेंगे और उसके ऊपर एक एक करके हमारी जो कटोरिया है वो रख देंगे और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि जो ऊपर का लेयर है वो प्रॉपरली थोड़ा सा कुक नहीं हो जाए। इसको हम ढक के रखेंगे एक मिनट के लिए। एक मिनट हो चुके हैं और जो ऊपर का जो लेयर है वो तैयार है।
तो उसके ऊपर हम हमारा जो सेकेंड लेयर है वाइट कलर का वो डाल देंगे। तो फ्लेवरफुल इडली बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई करना। इसको भी हम दो दो चम्मच करके डाल देंगे। इसको भी हम एक मिनट के ढक के रखेंगे। कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, वही बेस्ट चीज़ है इस इडली में। और एक मिनट हो चुके हैं और जो हमारा वाइट कलर है वो भी बनके तैयार है, उसका बैटर भी पक चुका है। उसमें हम डालेंगे हमारा जो लास्ट लेयर है सैफ्रन कलर का, वो डाल देंगे, वो भी दो दो चम्मच डाल देंगे। ये अच्छे से हमने सारा जो बैटर है लगा लिया है, इसको भी हम एक मिनट तक पकाएंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। एक से डेढ़ मिनट हो चुके हैं और जो हमारे इडली है वो बनके तैयार है। आप देख सकते हो प्रॉपरली ये पक चुके हैं। तो इसको अब निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। अभी डीमोल्ड नहीं करना है, ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे ताकि प्रॉपरली लेयर भी निकल के आ जाए। इसको अच्छे से निकाल लेते हैं और इसको ठंडा करने रख देंगे। तब तक हम दूसरी इडली बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इडली का मोल्ड लिया है और उसमें हम तेल लगा के अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। और हाफ साइड में हमारा सैफ्रन कलर का बैटर है वो लगा लेंगे और हाफ साइड ग्रीन कलर का। और बीच में हम वाइट कलर लगा लेंगे, एक प्रॉपर कलर। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ये प्रॉपर तिरंगा इडली लग रहा है कि नहीं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना 15 अगस्त को। वैसे ही सारे इडली हम बना लेंगे। हाफ साइड एक एक टेबलस्पून ही डालना है, हमें ज़्यादा बैटर नहीं डालना है। वैसे भी ये इडली फूल जाती है तो प्रॉपरली स्टीम नहीं होगा ये, तो एक एक टेबलस्पून ही डालेंगे हम। और बीच में वाइट कलर। इसको भी हम 10 टू 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। दस से 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं हमारी इडली बन के तैयार है कि नहीं। वाओ, आप देख सकते हो हमारी जो तिरंगा इडली है वो बन के तैयार है। 15 अगस्त को ये इडली बना के घर पे सेलिब्रेट करना। इसको हम निकाल लेते हैं। इडली को मैंने ठंडा कर लिया है, 5 मिनट के बाद हम इसको चाकू की हेल्प से निकाल लेते हैं। देख सकते हो ना कितना प्रॉपर इडली बन के तैयार है, पीछे से भी पक चुकी है और ऊपर से भी तो पक गई है। ऐसे सारे इडली को हम निकाल लेते हैं। और ये इडली की एक खास बात है कि इसमें बहुत अलग अलग फ्लेवर है। जो तिरंगा इडली है बन के तैयार है। आप इसको कोकोनट चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करो, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और यहाँ पे जो हमारी कटोरी वाली थी इडली, वो इसको ठंडा कर लिया है मैंने और इसको हम डीमोल्ड करेंगे नाइफ की हेल्प से। और ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है तो प्रॉपरली निकल जाएगी। आप देख सकते हो कितनी प्रॉपरली बनी है, अच्छा शेप आया है। तो ये भी इडली आप ज़रूर ट्राई करना, इसको सांभर या चटनी के साथ सर्व करो, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और 15 अगस्त आने वाला है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और 15 अगस्त सेलिब्रेट करना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक
पहुँचे। थैंक यू।